हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल. आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को, जो कि सेंटर्ड है हमारे जेकोबियन एज पे और कैरोलिन एज पे. यानी कि इससे पहले जो वीडियो हमने प्रीवियस वीडियो डिस्कस किया है उसमें हमने इसका थ्योरी पार्ट कम्प्लीट कर लिया है. तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले थ्योरी देखिए, देन उसके बाद वीडियो पे आइए. आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा थ्योरी के बाद एमसीक्यू अटेम्प्ट करना, ठीक है? ऐसी ही सीरीज चल रही है, यानी कि पहले हम थ्योरी डिस्कस करते हैं, देन एक वीडियो आता है जो पूरी थ्योरी के एमसीक्यू बना के क्लियर किया जाता है वीडियो, ठीक है? तो इस तरीके के एक सीरीज में चल रहा है जिससे पूरी तरीके से इंग्लिश लिटरेचर को बहुत इजी बनाया जा सके, क्योंकि इसमें तरह तरह की एजेस आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो जैकोबियन एज हो, कैरोलिन हो एज हो, प्यूरिटन हो, एज ऑफ एनलाइटमेंट हो, ऑगस्टन एज हो. तो इस तरीके की एजेस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है. तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब तक आप चीजें नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन विद वार्म वेलकम. आप लास्ट तक बने रहिएगा, आप बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है. चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, बस वो इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस उसमें हो, और इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में इन क्वेश्चंस को अगर आप करके जाएंगे तो कहीं आपके मतलब 10 अगर क्वेश्चन में पढ़ा रही हूँ तो उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आ सकते हैं, ठीक है? तो वो करके जरूर जाइएगा क्योंकि ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे और करते हैं बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे, ठीक है? So, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है, विच मोनार्क्स रेन कैरेक्टराइजेस द जैकोबियन एज इन इंग्लिश लिटरेचर. यानी कि किस मोनार्क की रेन से जैकोबियन एज की शुरुआत होती है, मेनली ये क्वेश्चन का पूछना है. तो बताइएगा इसका आंसर क्या है. इनमें से आपके ऑप्शन है ये कि क्या इसका ऑप्शन एलिजाबेथन एज हो सकता है, क्वीन एलिजाबेथन फर्स्ट जिनका रेन था 1603, ठीक है? और ये इसके बाद आता है किंग हेनरी एट, क्या इसका ऑप्शन ये हो सकता है, बताइएगा. और किंग जेम्स फर्स्ट इसका ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में. या फिर इसका ऑप्शन हो सकता है किंग चार्ल्स फर्स्ट, बताइएगा. तो यहाँ पे आपको बता दूं मैं कि ये किंग चार्ल्स फर्स्ट जो है जो कैरोलिन पीरियड से बिलोंग करते हैं, जैसा कि मैंने थ्योरी वीडियो में बताया कि ये कैरोलिन एज से बिलोंग करते हैं, ठीक है? इनसे कैरोलिन एज की शुरुआत होती है. किंग जेम्स फर्स्ट जो है ये हमारे बिलोंग करते हैं जैकोबियन एज से, यानी कि इन्हीं से होता है जैकोबियन एज की शुरुआत. क्लियर, यहाँ पे ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाता होगा, ठीक है? So, इस तरीके से जो सही आंसर है वो ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है. सॉरी डी नहीं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो राइट होता है वो सी ऑप्शन राइट होता है, किंग जेम्स फर्स्ट, ठीक है? तो इसको टिक कर लीजिए, किंग जेम्स फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाते हैं, इन्हीं से मतलब जैकोबियन एज की शुरुआत होती है, ठीक है? किंग जेम्स फर्स्ट, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इसमें ये पूछा गया है, आप ध्यान से पढ़िएगा ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले राइट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद जैकोबियन एज. अब मैंने आपको पढ़ाया है प्रीवियस वीडियो में कि जैकोबियन एज के कुछ प्ले राइट्स और पोएट्स के बारे में पढ़ाया, तो उसमें से देखिए क्या विलियम शेक्सपियर जो है वो जैकोबियन एज से बिलोंग नहीं करते, बताइएगा. मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में, आप अगर ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो, बेन जॉनसन बिलोंग करते हैं कि नहीं करते, या फिर क्रिस्टोफर मार्लो बिलोंग करते हैं या नहीं करते, या जॉन मिल्टन, ठीक है? तो बताइए, अब विलियम शेक्सपियर जो है ये एलिजाबेथन एज से लेके ये कहाँ तक रहे, तो ये जैकोबियन पीरियड को लीड किया, ठीक है? 2 पीरियड्स को लीड किया है विलियम शेक्सपियर ने. बेन जॉनसन इसी एज से बिलोंग करते हैं, क्रिस्टोफर मॉलो भी बिलोंग करते हैं. अब यहाँ पे अगर कोई नहीं बिलोंग करता है तो वो बचते हैं जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन इस एज से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है? ये प्यूरिटन थे, कैरोलिन पीरियड से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो डाउट था वो यहाँ पे क्लियर होता है कि जैकोबियन एज से जो बिलोंग नहीं करता है वो है जॉन मिल्टन, ठीक है? बाकी ये तीनों जो यहाँ पे प्ले राइट है ये बिलोंग करते हैं जैकोबियन पीरियड से, क्लियर. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. So, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखिएगा कि कौन सा है, विच लिटरेरी वर्क, पढ़िएगा ध्यान से, विच लिटरेरी वर्क इज कंसिडर्ड अ मेजर सटायर ऑफ जैकोबियन सोसाइटी बाय बेन जॉनसन. अब यहाँ पे पूछा गया है, बेन जॉनसन का एक मेजर सटायर है, उनका एक लिटरेरी वर्क है जिसका जॉनर क्या है, तो जॉनर उसका है सटायर, ठीक है? इनका कौन सा सटायर सबसे ज्यादा फेमस है ये पूछा गया है.
बताइए क्या क्या उसका ऑप्शन वॉलपोन है, बताइए ये चार ऑप्शन आपके सामने है, वॉलपोन या फिर एल्केमिस्ट, द एल्केमिस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर हो सकता है या नहीं हो सकता, द डचेस ऑफ माल्फी हो सकता है या नहीं हो सकता, बताइए। पहली बात तो डचेस ऑफ माल्फी का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि ये है एक ट्रेजेडी, ठीक है, ये एक ट्रेजेडी है, ठीक है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर ये हो सकता है या नहीं हो सकता, आप लोग कमेंट करिए प्लीज, द एल्केमिस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ना वेलपोन है ना एल्केमिस्ट है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ठीक है, ऑप्शन जो राइट है वो यही है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ठीक है, क्लियर। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पूछा गया हु इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को इंग्लिश ड्रामा में मतलब जैकोबियन एज के टाइम पे किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो बताइएगा इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसके ऑप्शंस हैं जॉन वेबस्टर, क्या इसका ऑप्शन राइट जॉन वेबस्टर हो सकता है, या फिर थॉमस मिडलटन हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर बेन जॉनसन हो सकता है या नहीं हो सकता है, या जॉन फोर्ड हो सकता है या नहीं हो सकता, बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आप सोचिए जॉन वेबस्टर जो है ये मेनली किस चीज के लिए जाने जाते हैं, तो अपने ट्रेजेडीज के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि इनका वर्क जो था डचेस ऑफ माल्फी, डचेस ऑफ माल्फी, ठीक है यहाँ पे, और थॉमस मिडलटन इसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है, जॉन वेबस्टर भी नहीं है, अब बचते हैं बेन जॉनसन और जॉन फोर्ड, तो जॉन फोर्ड इसका ऑप्शन राइट नहीं है, इसका जो सही ऑप्शन बचता है वो है बेन जॉनसन, यानी कि अब यहाँ पे जान लीजिए मैं लिख देती हूँ कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को इंट्रोड्यूस्ड बाय बेन जॉनसन, इन जैकोबियन ड्रामा, ठीक है, ठीक है। तो आप अपने साथ अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिए क्योंकि सब कुछ आपको पीपीटी पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कई चीजें हैं जो मैं इस पे लिखती हूँ खुद से, तो वो नोट डाउन करते चलिए क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पीडीएफ भी मिलेगा तो उसमें ये जो नोट डाउन किया हुआ चीजें हैं ये नहीं मिलेंगी, इनको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसको ध्यान से देखिएगा, विच जैकोबियन प्ले राइट, यहाँ पे पूछा गया है जैकोबियन प्ले राइट वो कौन सा है, इज नोन फॉर हिज डार्क एंड वायलेंट ट्रेजेडी सच एज द डचेस ऑफ माल्फी, बताइएगा। अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा तो उसमें उसमें ही मैंने ये आंसर बता दिया है, विच जैकोबियन प्ले राइट इज नोन फॉर हिज डार्क एंड वायलेंट ट्रेजेडी सच एज द डचेस ऑफ माल्फी, यानी कि कौन सा ऐसा प्ले राइट जो डार्क थीम पे लिखता था अपनी ट्रेजेडीज का, जिसमें से एक है द डचेस ऑफ माल्फी, बताइएगा उसके ऑप्शन कौन है, क्या जॉन वेस्टर्स उसका आंसर है या नहीं है, या फिर थॉमस मिडलटन है या नहीं है, या फिर फिलिप मैसिंगर है या नहीं है, या फिर फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट है या नहीं है, बताइएगा उसका सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे जो इसका सही और राइट ऑप्शन हो जाता है वो है ऑप्शन ए जॉन वेबस्टर, जॉन वेबस्टर ही ने ही क्या है डचेस ऑफ माल्फी को लिखा था, द डचेस ऑफ माल्फी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्री इज एसोसिएटेड विद पोएट्स ऑफ विच एरा फॉलोइंग द जैकोबियन एज, ठीक है, अब बताइएगा इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए, ठीक है, द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्री एसोसिएटेड विद पोएट्स, यानी कि किस एज के पोएट से एसोसिएटेड है, ठीक है, जो कि फॉलो करता है इस जैकोबियन एरा को, तो बताइएगा क्या इसका ऑप्शन एलिजाबेथन एज हो सकता है, या फिर इसका ऑप्शन कैरोलिन एज हो सकता है, या फिर इसका ऑप्शन रेस्टोरेशन हो सकता है, या फिर विक्टोरियन हो सकता है, बताइएगा इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ना ही विक्टोरियन एज है, ना ही रेस्टोरेशन है, ना ही एलिजाबेथन एज है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है कैरोलिन एज, ठीक है, यानी कि जैकोबियन एज के बाद जो एज आई है उसको बोलते हैं कैरोलिन, यानी कि इसको फॉलो किया है, ठीक है, कैरोलिन एज यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है, क्लियर। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है, विच जैकोबियन प्ले राइट इज नोन फॉर हिज ट्रेजेडीज
जिनका नाम था व्हाइट डेविल एंड द डचेस ऑफ माल्फी, यानी कि कौन से ऐसे प्ले राइट जो अपने मेनली अपने ट्रेजेडीज की वजह से जाने जाते थे, जिनमें से कुछ है द व्हाइट डेविल एंड द डचेस ऑफ माल्फी। बताइए क्या इसका ऑप्शन थॉमस मिडलटन है या नहीं है, क्या इसका राइट ऑप्शन बताइए। ए बी सी डी, आपके सामने चार ऑप्शन है, जॉन वेस्टर, जॉन फोर्ड, फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन ना ही थॉमस मिडलटन है, ना ही इसका जॉन फोर्ड है, ना ही इसका फ्रांसिस बी मॉन्ड है, यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाता है, सही ऑप्शन हो जाता है जॉन वेबस्टर। ठीक है, क्लियर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जैकोबियन ड्रामा। जैकोबियन ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पूछी जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा जैकोबियन ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो यहां पे बताइए कि इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये पूछा गया। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जैकोबियन ड्रामा। बताइए यूज ऑफ सम कॉम्प्लेक्स प्लॉट एंड सब प्लॉट, तो इसका यूज होता था। एक्सप्लोरेशन ऑफ मोरल एम्बिग्यूटी एंड ह्यूमन साइकोलॉजी, तो इसका भी यूज होता था, जैसे कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई प्ले है तो आप हैमलेट और मैकबेथ को पढ़िए, शेक्सपियर के प्लेस को पढ़िए, ओथेलो को पढ़िए, तो इसमें आप ह्यूमन साइकोलॉजी का एनालिसिस कर पाएंगे, चाहे वो डार्क लेडी का कैरेक्टर हो या फिर ओथेलो का कैरेक्टर खुद ना हो, खुद उसमें हो, ठीक है, या फिर हैमलेट का कैरेक्टर हो, तो इन सब में आप एक तरीके का ह्यूमन साइकोलॉजी का स्टडी कर सकेंगे। और थर्ड जो हमारा ऑप्शन है, इम्फेसिस ऑन क्लासिकल थीम्स एंड सेटिंग्स, तो इनसे काफी ज्यादा इम्फेसिस रहा जैकोबियन ड्रामा पे। और सबसे जरूरी यहाँ पे था स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द थ्री यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक नहीं था। ठीक है, क्लियर। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा जा रहा है वो देखिए। विच जैकोबियन प्ले राइट इज नोन फॉर हिज कॉमेडीज लाइक द रोरिंग गर्ल एंड द कास्ट मेड इन चीफसाइड, ये पूछा जा रहा है कि इसमें ये जो दो कॉमेडीज आपको देखी जा रही हैं, लिखी हुई हैं, तो ये किसने लिखा, और मेनली जो ये प्ले राइट थे ये अपने कॉमेडीज के लिए ही जाने जाते थे, तो इसका ऑप्शन राइट क्या है, क्या इसका ऑप्शन जॉन फोर्ड है या नहीं है, या फिर थॉमस मिडलटन हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या फिर थॉमस डेकर या फिर थॉमस हेवुड, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ना ही जॉन फोर्ड है, ना ही थॉमस डेकर है, और ना ही थॉमस हेवुड है, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन बचता है वो थॉमस मिडलटन है। थॉमस मिडलटन ने ये वॉक्स लिखे थे और मेनली ये किस चीज के लिए जाने जाते थे, तो कॉमेडीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ इन्फ्लुएंशियल प्रोज वर्क द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, कब पब्लिश हुआ था, 1605 में, यानी कि एक वर्क है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, जो कि पब्लिश हुआ था 1605 में। ठीक है, इसको पूछा गया कि किसने लिखा था, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो क्या इसको ऑप्शन सर वॉल्टर रेलेन है, या फिर जॉन डन है, या फिर फ्रांसिस बेकन है, या थॉमस मोर है, बताइए इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन बनता है यहाँ पे वो फ्रांसिस बेकन है, बाकी जितने भी ऑप्शन यहाँ पे बनते हैं वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर क्लियर। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि विच जैकोबियन प्ले राइट इज नोन फॉर हिज डार्क कॉमेडीज, यानी कि अपनी डार्क कॉमेडीज के लिए जाना जाता था ये प्ले राइट, जो कि जैकोबियन एज से बिलोंग करता था, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेज हैं जिनमें से है द चेंजलिंग एंड द यॉर्कशायर ट्रेजेडी। ठीक है, तो ये दोनों प्लेज किसके हैं, तो यहाँ पे पूछा गया द चेंजलिंग, ठीक है, द चेंजलिंग, और दूसरा हो गया वर्क अ यॉर्कशायर ट्रेजेडी, अ यॉर्कशायर ट्रेजेडी। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है ये किसने लिखा है, बताइए इसका ऑप्शन राइट क्या है, तो जॉन फोर्ड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, बताइए, ऑप्शन ए बी थॉमस मिडलटन हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या फिर जॉन वेबस्टर है, या फिर फिलिप मैसिंगर है, बताइए इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ना ही थॉमस मिडलटन है, ना ही जॉन वेबस्टर है, ना ही फिलिप मैसेंजर है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है जॉन फोर्ड। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या है, जॉन फोर्ड, यानी कि इन दोनों वर्क्स के जो राइटर हैं वो है जॉन फोर्ड।
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इधर उधर आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन की बनावट बदल जाती है बट क्वेश्चन वही रहते हैं ज्यादातर। विद जैकोबियन प्ले राइट, यानी कि कौन से जैकोबियन प्ले राइट है जिनकी ट्रेजिक कॉमेडीज पूछी गई। ट्रेजिक कॉमेडी द सी वॉयज एंड द रिवेंज ट्रेजेडी द चेंजलिंग, यानी कि एक ट्रेजिक कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी कौन सी है, ट्रेजिक कॉमेडी, ठीक है, ट्रेजिक कॉमेडी कौन सी है, द सी वॉयज, एंड रिवेंज ट्रेजेडी है मेनली। कभी कभी क्या होता है कि इसका जॉनर भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो रिवेंज ट्रेजेडी है द चेंजलिंग, ठीक है। तो ये दोनों वर्क्स किसने लिखा, तो मैंने बता दिया है, इन दोनों वर्क्स के जो राइटर हैं वो जॉन फोर्ड है, ना ही इसका ऑप्शन ये ए राइट है, ना ही बी ना ही डी, सही ऑप्शन है जॉन फोर्ड, ठीक है। नोट डाउन करते चलिए ये फैक्ट्स जो हैं, ये नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतना वास्ट इंग्लिश लिटरेचर है तो इसमें कम से कम जितने इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको दिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट राइटर्स दिख रहे हैं, उनसे जुड़े जो भी फैक्ट बताए जा रहे हैं, तो उनको नोट डाउन जरूर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, 13 नंबर का। हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स ऑफ द जैकोबियन एज, यानी कि जैकोबियन एज के इनमें से कुछ पोएट्स हैं, नोन फॉर हिज मेटाफिजिकल पोएट्री कैरेक्टराइज बाई कॉम्प्लेक्स एंड अनकन्वेंशनल इमेजरी एंड थीम्स, यानी कि मेटाफिजिकल जो पोएट्री है इसका कैरेक्टरिस्टिक आप समझ लीजिए, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो मेनली ये जो पोएट्री है डील करती थी, डील विद कॉम्प्लेक्स एंड अनकन्वेंशनल अनकन्वेंशनल इमेजरी थीम्स से डील करती थी, और मेनली जो इसके इसको क्वाइन किसने किया था, यानी कि मेटाफिजिकल जो टर्म है इसको क्वाइन किसने किया था, तो क्वाइन किया था सैमुअल जॉनसन ने, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन बोले जाते हैं, तो फाउंडर बोले जाते हैं जॉन डन, फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, ठीक है। तो अब बताइए इसमें से कौन मेटाफिजिकल पोएट्री से बिलोंग करते हैं, तो जॉर्ज हर्बर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, एंड्रयू मार्वेल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या फिर जॉन डन या फिर रॉबर्ट हेरिक। तो जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, तो इसमें से जॉन डन यह हमारा ऑप्शन राइट हो जाता है, बाकी ये जितने भी हैं ये रॉन्ग है, ठीक है, क्लियर। यानी कि यहाँ सही ऑप्शन है जॉन डन, यहाँ पे हमने मेटाफिजिकल पोएट्री से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डाउट्स थे वो यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। सो 14 नंबर का क्वेश्चन है, विच जैकोबियन प्ले राइट इज नोन फॉर हिज सिटी कॉमेडीज, यानी कि ये ऐसे प्ले राइट थे जैकोबियन एज के जो कि जाने जाते थे अपने सिटी कॉमेडीज के, जिनमें से कुछ हैं द सू मेकर्स हॉलीडे एंड ईस्ट वर्ड हो, ठीक है। तो बताइएगा ये दो कॉमेडीज किसकी हैं, ठीक है, थीके? तो यहाँ पे लिख लीजिए द टू मेकर्स हॉलीडे एंड नेक्स्ट है ईस्ट वर्ड हो। अब बताइए इसको लिखा किसने है, ठीक है। तो इसका बताइए क्या जॉन वेबस्टर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, मेनली ये जाने जाते थे अपने ट्रेजिडीज के लिए, ठीक है, तो ये इनका सवाल ही नहीं उठता, ये होंगे ही नहीं, तो गलत है ये ऑप्शन। थॉमस डेकर हो सकते हैं, जॉन फोर्ड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, थॉमस मिडिलटन हो सकते हैं या नहीं हो सकते, बताइएगा सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत है, थॉमस मिडिलटन भी गलत है, यहाँ पे जॉन फोर्ड भी गलत हो जाते हैं, सही ऑप्शन जो बचता है वो हमारा है थॉमस डेकर, यानी कि इन दोनों कॉमेडीज को किसने लिखा है, तो थॉमस डेकर ने लिखा, ठीक है, क्लियर। मेनली किस लिए जाने जाते थे, अपनी सिटी कॉमेडीज के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग जैकोबियन प्ले राइट इज नोन फॉर हिज कोलैबोरेशन विद जॉन फ्लेचर इन राइटिंग प्लेस लाइक द नाइट ऑफ बर्निंग पिस्टल एंड द फिलास्टर, यानी कि कौन सा है जैकोबियन, ऐसा जैकोबियन प्ले राइट है जो कि जाना जाता है जॉन फ्लेचर के साथ कोलैबोरेशन के लिए, यानी कि किसके साथ इनका कोलैबोरेशन है, जॉन फ्लेचर के साथ, जॉन फ्लेचर के साथ कोलैबोरेशन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, जैकोबियन प्ले राइट है।
अब बताइए, द बर्निंग ऑफ द नाइट ऑफ द बर्निंग पिस्टल, द नाइट ऑफ द बर्निंग पिस्टल एंड यहां पर फिलास्टर, फिलास्टर ये किसने लिखा है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका सही ऑप्शन बताइए, ना ही इसका ऑप्शन ए राइट है, बेन जॉनसन भी यहाँ पे नहीं है, थॉमस मिडलटन भी नहीं है यहाँ पे, और ना ही जॉन वेबस्टर है। इसका जो सही ऑप्शन है वो फ्रांसिस बीमोंट है, ठीक है, यानी कि इसके ऑप्शन जो राइट है वो बीमोंट है, फ्रांसिस बीमोंट, ठीक है, मैं बीमोंट लिख दे रही हूँ शॉर्ट में। तो बीमोंट मेनली किस लिए जाने जाते हैं, जॉन फ्लेचर के साथ इनका कोलेबोरेशन में इन्होंने वर्क्स लिखे, और इनका जो ये प्लेस है द नाइट ऑफ बर्निंग पिस्टल एंड द फिलास्टर के लिए ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज पूछा गया, प्राइमरी कॉज ऑफ द इंग्लिश सिविल वॉर, यानी कि इंग्लिश सिविल वॉर का जो प्राथमिक कारण है वो पूछा गया है कि क्या है, ठीक है। अब देखिए इसका जो ऑप्शन ए क्या कहता है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, सेकेंड बी ऑप्शन कहता है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बिटवीन नॉबिलिटी एंड कॉमनर्स, और स्ट्रगल ऑफ फॉर पावर बिटवीन मोनार्की एंड पार्लियामेंट, या फिर डी ऑप्शन कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। बताइए, मैंने आपको थ्योरी वीडियो में पूरा बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है कि मतलब जो किंग जेम्स को जिसने सपोर्ट किया है उस उनको क्या बोला गया है, पार्लियामेंट को जिसने सपोर्ट किया है उनको क्या बोला गया है। तो मैं इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगी, आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा थ्योरी वाला, उसमें मैंने सब कुछ बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो यहाँ राइट हो जाता है, क्योंकि जो किंग जेम्स थे उनका मतलब पार्लियामेंट के साथ एक तरीके का स्ट्रगल चल रहा था, ठीक है, वो रॉयलिटीज की जो राइट्स हैं उनके बारे में बात कर रहे थे, और पार्लियामेंट के को बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा क्लियर हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट्री फोर्सेस ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर हु सपोर्टेड द राइट्स ऑफ पार्लियामेंट अगेंस्ट मोनार्की, ठीक है, यानी कि मोनार्की के अगेंस्ट, यानी कि ये मोनार्की है इसके अगेंस्ट पार्लियामेंट को किसने सपोर्ट किया था, ठीक है, पार्लियामेंट को किसने सपोर्ट किया था ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। मेनली आपको क्वेश्चन ज्यादा कुछ भी नहीं कह रहा है, इतना बड़ा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं कि इंग्लिश सिविल वॉर जो चल रहा था उसमें पार्लियामेंट को कौन सपोर्ट कर रहा था मोनार्की के अगेंस्ट ये पूछा जा रहा है। तो क्या इसका ऑप्शन ए रॉयलिटीज हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर कैवेलियर, या फिर राउंड हेड्स हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर यहाँ पे जो ऑप्शन है लेवलर हो सकता है या नहीं हो सकता, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पे राउंड हेड्स हो जाता है, राउंड हेड्स वो वही फोर्स थी जिसने पार्लियामेंट को सपोर्ट किया था मोनार्की के अगेंस्ट, क्लियर। 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, विच किंग ऑफ इंग्लैंड वॉज एग्जीक्यूटेड फॉलोइंग हिज डिफीट इन द इंग्लिश सिविल वॉर, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि इंग्लैंड का वो कौन सा किंग था जिसको मतलब इंग्लिश सिविल वॉर में मतलब हारने के बाद उसको फांसी हो जाती है, ठीक है, तो वो कौन है, चार्ल्स सेकेंड, इसका ऑप्शन ए हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर जेम्स फर्स्ट, या फिर चार्ल्स फर्स्ट, या फिर एडवर्ड फोर्थ। तो यहाँ पे एडवर्ड फोर्थ भी रॉन्ग हो जाता है, जेम्स फर्स्ट भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, चार्ल्स सेकंड भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, यानी कि सही ऑप्शन क्या है, चार्ल्स फर्स्ट, ठीक है, चार्ल्स फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच पार्लियामेंट्री फैक्शन लेड बाय ओलिवर क्रॉमवेल एमर्ज्ड विक्टोरियस इन द इंग्लिश सिविल वॉर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मेनली क्वेश्चन ये है कि ओलिवर क्रॉमवेल किसको लीड कर रहे थे, किस ग्रुप को लीड कर रहे थे जो इंग्लिश का जो मोनार्की था उसके अगेंस्ट पार्लियामेंट को सपोर्ट करने के लिए किस फोर्स को लीड कर रहे थे ये पूछा जा रहा। तो ओलिवर क्रॉमवेल जो थे ये लीड कर रहे थे यहाँ पे, आप बताइए कैवेलियर हो सकता है या नहीं हो सकता, राउंड हेड्स हो सकते हैं या नहीं हो सकता, रॉयलिटीज हो सकता है या फिर लेवलर्स हो सकता है नहीं। तो आपको पता होना चाहिए ये कैवेलियर्स जो थे ये मोनार्क को सपोर्ट करते थे, मोनार्क को सपोर्ट करते थे, राउंड हेड्स यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता है जो पार्लियामेंट को सपोर्ट करता था, ठीक है, ग्रुप था इनका, और ओलिवर क्रॉमवेल जो थे वो इसी को लीड कर रहे थे, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन राइट बनता है वो राइट ऑप्शन बी है, राउंड हेड्स, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द इंग्लिश सिविल वॉर रिजल्टेड इन द टेम्पोरेरी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंग्लैंड, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि इंग्लैंड में जो इंग्लिश सिविल वॉर हुआ था उसका रिजल्ट क्या था कि एक तरीके की अस्थायी जो गवर्नमेंट है वहां इंग्लैंड में स्टैब्लिश हो गई थी, तो आपको उस गवर्नमेंट का नाम बताना है। तो क्या उसका ऑप्शन ए एब्सोल्यूट मोनार्की हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर कंस्टिट्यूशनल मोनार्की हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर रिपब्लिकन कॉमनवेल्थ हो सकता है या नहीं हो सकता। बताइए जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ना ही ऑप्शन ए सही है ना ही बी सही है, यानी कंस्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं थी, मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी नहीं थी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बचता है वो ऑप्शन डी है, रिपब्लिकन कॉमनवेल्थ था, यानी कि इंग्लिश सिविल वॉर के बाद, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इंग्लिश सिविल वॉर के बाद क्या होता है कि यहाँ पर रिपब्लिकन, सॉरी, यहाँ पे रिपब्लिकन कॉमनवेल्थ का टेम्परेरी तौर पे स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सो यहाँ पे हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। विच पोएट ऑफ कैरोलिन एज इज नोन फॉर हिज पास्टोरल एलेजीज एंड मेटाफिजिकल पोएट्री, और इनका वर्क जो इम्पोर्टेंट है वो है एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कैरोलिन एज का पोएट है जो कि जाना जाता है अपने पास्टोरल एलेजीज के लिए और मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए, जिसमें से उसका एक इम्पोर्टेंट वर्क है यहाँ पे एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। अब बताइए कि इसका जो ऑप्शन राइट है वो यहाँ पे क्या है, क्या इसका ऑप्शन ए हो सकता है एंड्रयू मार्वेल, या फिर जॉन डन, या फिर जॉर्ज हर्बर्ट, या फिर थॉमस ग्रे। तो इसका ऑप्शन क्या है, तो इसका ना ही ऑप्शन एंड्रयू मार्वेल है, ना ही जॉन डन है, ना ही जॉर्ज हर्बर्ट है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पे हो जाता है थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे यहाँ पे राइट ऑप्शन होता है। जिन्होंने क्या लिखा, तो इन्होंने पास्टोरल एलिजी लिखी, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट एलिजी है इनकी, एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर का क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग प्ले राइट द कैरोलिन एज इज नोन फॉर हिज ट्रेजिक कॉमेडीज द फेथफुल शेफर्ड्स शेफर्ड्स एंड हिज कोलेबोरेशन विद जॉन फ्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जाता है कि कैरोलिन एज का कौन सा ऐसा प्ले राइट है जो अपने ट्रेजिक कॉमेडीज के लिए जाना जाता है और अपने कोलेबोरेशन के लिए जो कि जॉन फ्लेचर के साथ था। इसका इंपॉर्टेंट वर्क है द फेथ शेफर्ड्स एंड हिज द फेथफुल शेफर्ड्स, इसका वर्क है। ठीक है, वर्क क्या है, द फेथफुल शेफर्ड। ठीक है, और ये जाना जाता है अपना कोलेबोरेशन जो इसने किया जॉन फ्लेचर के साथ। तो बताइए वो कौन से प्ले राइट है, क्या इसका ऑप्शन जॉन वेबस्टर है, या फिर बेन जॉनसन, या फिर फिलिप मैसेंजर, या फिर फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे जॉन वेबस्टर रॉन्ग हो जाता है, बेन जॉनसन भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, फिलिप मैसेंजर भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, और यहाँ पे जो सही आंसर है वो है फ्रांसिस बीमॉन्ट। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कैरोलिन एज पोएट इज नोन फॉर हिज रिलीजियस पोएट्री एंड डिवोशनल वर्क्स लाइक द टेम्पल। ठीक है, द टेम्पल वॉक लिखा है और अपने पोएट्री के, डिवोशनल पोएट्री के लिए जाने जाते हैं, रिलीजियस पोएट्री के लिए जाने जाते हैं। कैरोलिन एज का वैसे पोएट का नाम बताइए, क्या इसका ऑप्शन ए जॉन डन हो सकता है या नहीं हो सकता, तो नहीं ये गलत है, जॉर्ज हर्बर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, रॉबर्ट हेरिक हो सकता है, या फिर थॉमस कैरो। तो यहाँ पे सी और डी बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाते हैं। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो हमारा जॉर्ज हर्बर्ट है, जो कि इनको बोला जाता है डिवोशनल लिरिसिस्ट, क्या बोला जाता है, डिवोशनल लिरिसिस्ट। ठीक है, डिवोशनल लिरिसिस्ट, ये इंग्लैंड में प्रीस्ट थे और मेनली ये डिवोशनल पोएट्री के लिए जाने जाते हैं, फेमस वर्क द टेम्पल। ठीक है, क्लियर, तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, जॉर्ज हर्बर्ट। तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखिएगा,
यहाँ पे जो 24 नंबर का क्वेश्चन है, हु वॉज द मोनार्क ड्यूरिंग द कैरोलिन एज इन इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में कैरोलिन एज की शुरुआत होते समय वहां पे मोनार्क यानी कि किसका रेन था, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो ए है वो क्वीन एलिजाबेथ हो सकती या नहीं हो सकती, या फिर किंग हेनरी एट, या फिर किंग जेम्स फर्स्ट, या फिर किंग चार्ल्स फर्स्ट। तो बताइएगा इसका ऑप्शन जो राइट है वो क्या है। ना ही इसका ऑप्शन ए सही है, ना ही बी, ना ही सी, यानी कि ये तीनों यहाँ पे नहीं थे, ठीक है। ना ही क्वीन एलिजाबेथ थी, ना ही किंग हेनरी एट थे, और ना ही किंग जेम्स फर्स्ट थे। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पे सही ऑप्शन है, किंग चार्ल्स फर्स्ट, जो मतलब इनका जो चार्ल्स नेम है ये लैटिन वर्ड कैरोलस से हुआ है, ठीक है, इस वजह से इसको कैरोलिन एज बोला जाता है, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे 25 नंबर का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। व्हाट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट मार्क द एंड ऑफ द कैरोलिन एज इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में कैरोलिन एज के एंडिंग के बारे में पूछा जा रहा है। कौन सा ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट है जिसके होने के बाद कैरोलिन एज का मतलब एंड हो जाता है। तो बताइए ऑप्शन ए राइट हो सकता है या नहीं हो सकता, द इंग्लिश सिविल वॉर, या फिर द रेस्टोरेशन, द ग्लोरियस रिवोल्यूशन, या फिर द स्टुअर्ट रेस्टोरेशन। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे द रेस्टोरेशन यहाँ पे गलत हो जाता है, ग्लोरियस रिवोल्यूशन भी यहाँ पे गलत हो जाता है, द स्टुअर्ट रेस्टोरेशन भी यहाँ पे गलत हो जाता है। सही ऑप्शन जो है वो है द इंग्लिश सिविल वॉर, यानी कि जो चार्ल्स फर्स्ट थे यहाँ पे, चार्ल्स फर्स्ट, ठीक है, उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है कि यहाँ पे जब उनका डिफीट हो जाता है इंग्लिश सिविल वॉर में, ठीक है। अब देखिए विच कैरोलिन एज प्ले राइट इज नोन फॉर हिज कॉमेडी द कंट्री वाइफ एंड हिज सटायरिकल पोर्ट्रेयल ऑफ लंडन सोसाइटी। तो यहाँ पे मेनली पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे कैरोलिन एज के प्ले राइट हैं जो अपने कॉमेडीज के लिए जाने जाते हैं, यानी कि किस चीज के लिए, तो अपने कॉमेडीज के लिए जाने जाते थे। उनकी फेमस जो कॉमेडी थी द कंट्री वाइफ, ठीक है, और ये अपनी सटायरिकल पोर्ट्रेयल के जो कि लंदन सोसाइटी पर बेस्ड होते थे उनके लिए जाने जाते थे। तो बताइए इसका ऑप्शन ए राइट हो सकता है, विलियम कॉनग्रीव, या फिर जॉन ड्राइडन, या फिर विलियम वाइकरली, या फिर रिचार्ड ब्रिंसली स्रीडन स्रीडन। बताइए इसका ऑप्शन जो राइट है वो क्या है। तो इसका जो ऑप्शन राइट है वो विलियम वाइकरली है, बाकी जितने भी हैं वो रॉन्ग आंसर्स हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का, इसको देख लेते हैं। Which event ultimately led to the downfall of King Charles I and the end of Carolingian age? ठीक है, चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है द इंग्लिश सिविल वॉर में, तो यही रीजन था मतलब किंग चार्ल्स फर्स्ट का जो उनका डाउनफॉल हुआ था कैरोलिन एज में, तो द इंग्लिश सिविल वॉर के साथ जो उनका एक तरीके से जो टेंशन चल रही थी उनके बीच में, संघर्ष स्ट्रगल चल रहा था मोनार्क और पार्लियामेंट के बीच में, तो वो वही द इंग्लिश सिविल वॉर बना, और इसी में मतलब डाउनफॉल हुआ चार्ल्स फर्स्ट का, और यहाँ से कैरोलिन एज का एंड हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिग्निफिकेंट इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश सिविल वॉर ड्यूरिंग द कैरोलिन एज। अब यहाँ पे पूछा गया इंग्लिश सिविल वॉर की शुरुआत किस तरीके से हुई, ठीक है, द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, क्या ये हो सकता है, यानी कि इसके बाद तो एंड हो जाता है, जब एग्जीक्यूशन हो जाता है तो इंग्लिश सिविल वॉर का एंड हो जाता है, कैरोलिन एज का भी यहीं पे एंड हो जाता है, ठीक है। अब ये तो हमने इलेमिनेट कर लिया, तो ये गलत हो गया। द गन पाउडर्स प्लॉट, ये भी गलत है यहाँ पे, ठीक है। द अटेम्प्टेड अरेस्ट ऑफ 5 मेंबर्स, ये हमारा सही ऑप्शन है, द अटेम्प्टेड अरेस्ट ऑफ द 5 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और यहाँ पे डी ऑप्शन जो है यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, क्लियर। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सर्व्ड एज द लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द इंटरेग्नम पीरियड फॉलोइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि किंग चार्ल्स फर्स्ट फर्स्ट का जो वो हो गया था, डेथ हो गया था, तो उसके बाद मतलब आज सही तौर पे मतलब लॉर्ड प्रोटेक्टर के तौर पे किसने इंग्लैंड में काम किया। तो ओलिवर क्रॉमवेल इसका ऑप्शन है, रिचार्ड क्रॉमवेल, या फिर थॉमस वेंटवर्थ, या फिर सर रॉबर्ट वॉलपोल। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन होता है वो ओलिवर क्रॉमवेल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है।
हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स इज कंसिडर अ प्रोमिनेंट फिगर ऑफ कैवेलियर पोएट्री, यानी कि ऐसा पोएट जो है जो कैवेलियर पोएट्री का एक प्रोमिनेंट फिगर है जो कि जाना जाता है किस लिए, अपने एलिगेंट लिरिसिज्म के लिए एंड कोर्टली थीम्स के लिए। बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन राइट होगा, जॉन डन ए ऑप्शन, या फिर बी ऑप्शन जॉर्ज हर्बर्ट, या फिर एंड्रयू मार्वेल, या फिर रॉबर्ट हेरिक। बताइए इसमें से सही ऑप्शन क्या है। तो आपके ऊपर के ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाते हैं, ना ही जॉर्ज हर्बर्ट है, ना ही जॉन डन है, ना ही एंड्रयू मार्वेल है। सही ऑप्शन जो है वो है डी ऑप्शन, रॉबर्ट हेरिक। रॉबर्ट हेरिक यहाँ पे राइट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे पूछा गया है 31 नंबर का क्वेश्चन है, विच पोएटिक मूवमेंट एमर्ज एज अ रिस्पॉन्स टू द मेटाफिजिकल पोएट्री ऑफ द 17th सेंचुरी, जो कि जिसका कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स इम्फेसिस ऑन विट, इलेबोरेट कंसीट एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेटाफिजिकल पोएट्री के रिस्पॉन्स में कौन सी और एक ग्रुप ऑफ स्कूल्स ऑफ पोएट्री का मतलब जन्म हुआ 17th सेंचुरी में, तो उस स्कूल ऑफ पोएट्री का आपको नाम बताना है। तो मेटाफिजिकल देखिए, जैकोबियन और कैरोलिन एज में दो तरीके के स्कूल्स ऑफ पोएट्री थे, ठीक है, जैकोबियन एंड कैरोलिन एज में दो तरीके के स्कूल ऑफ पोएट्री थे। फर्स्ट तो यहां पे हमारा हो जाता है मेटाफिजिकल, और नेक्स्ट हमारा हो जाता है कैवेलियर। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें हो जाती, तो इसका सही ऑप्शन इस हिसाब से हमारा होगा कैवेलियर पोएट्री। ठीक है, कैवेलियर पोएट्री यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑफ्टन क्रेडिटेड विद क्वाइनिंग द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स। ठीक है, तो ये टर्म मतलब किसने क्वाइन किया था ये पूछा जा रहा है, मेटाफिजिकल पोएट्स ये टर्म किसने क्वाइन किया था, तो ये क्वाइन किया था बताइए, ऑप्शन ए जॉन डन, या फिर ऑप्शन बी सैमुअल जॉनसन, या फिर बेन जॉनसन, या फिर एंड्रयू मार्वेल। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन जॉन डन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सैमुअल जॉनसन हो सकते हैं या नहीं हो सकते बताइएगा, या फिर बेन जॉनसन, या फिर एंड्रयू मार्वेल। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जॉन डन जो है ये फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री के नाम से जाने जाते हैं, मेटाफिजिकल पोएट्री। ठीक है, सैमुअल जॉनसन को क्वाइन करने के लिए जाना जाता है, ठीक है, क्वाइंड बाय सैमुअल जॉनसन। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, बी, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाता है, बाकी ये सारे गलत हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स इज एसोसिएटेड विद बोथ द कैवेलियर एंड मेटाफिजिकल पोएटिक ट्रेडिशन, यानी कि कौन से ऐसे पोएट हैं जो कैवेलियर पोएट भी कहे जाते हैं और मेटाफिजिकल पोएट भी कहे जाते हैं, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मेनली देखिए इसका ऑप्शन ए है जॉन डन, ऑप्शन बी है जॉर्ज हर्बर्ट, ऑप्शन सी है एंड्रयू मार्वेल, एंड ऑप्शन डी है यहाँ पे रॉबर्ट हेरिक। बताइए इसमें से सही ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा जॉन डन हो जाता है। ठीक है, जॉन डन यहाँ पे राइट हो जाता है, बाकी ये सब यहाँ पे रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। सो इस तरीके से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी एक 33 लगभग क्वेश्चन थे जो कि जैकोबियन और कैरोलिन एज पे सेंटर्ड थे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एज से बनाए जा सकते थे उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतने बनाए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है, DSSP, UGC, NET एंड जितने भी इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए एग्जाम्स हैं उनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए गए हैं इस एज से जुड़े हुए। ठीक है, तो कुल मिला के ये कह सकते हैं एक तरीके से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है, इसकी थ्योरी क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी आप देखिएगा तब आप MCQ करेंगे, आपको बहुत ईजी वे में मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आएगा और आप रिलेट कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही रिलेवेंट कंटेंट दिया जा रहा है, बिल्कुल भी हॉच पॉच नहीं, एक सीरीज में चीजें चल रही है और आप इस सीरीज को फॉलो करिए और मेरी ये बेस्ट विशेष है कि आप एग्जाम जरूर क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर हमारा सेशन पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे शेयर करिए, और सबसे जरूरी चीज कि अगर आप ऐसे ही सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक ओके थैंक यू सो मच, बाय बाय।